अस्सी घाट से जस्ट थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा गंगा महल घाट। और एक बात नोट करने वाली ये है कि बनारस में दो गंगा महल घाट हैं, एक जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं और एक आगे भी आपको गंगा महल घाट मिलेगा। ये जो गंगा महल घाट आप देख रहे हैं ये पहले अस्सी घाट का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्व काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने इस घाट पर एक विशाल भवन का निर्माण कराया जिसका नाम गंगा महल रखा गया। इसी नाम पर इस घाट का भी नामकरण हुआ। गंगा महल में राजपूत और स्थानीय वास्तुशैली का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। वर्तमान समय में यह महल काशी नरेश महारानी ट्रस्ट के संरक्षण में है। कला एवं संगीत के अध्ययन के लिए आए विदेशी यात्रियों के निवास की व्यवस्था इस महल में है। गंगा महल घाट अस्सी घाट की उत्तरी सीमा से सटा हुआ है। पूर्व में यह अस्सी घाट का ही एक भाग हुआ करता था। तो इस समय हम इसी गंगा महल घाट पे गंगा महल के अंदर आए हुए हैं। यह महल बाहर से जितना खूबसूरत लगता है उतना ही अंदर से भी मेंटेन्ड है। यहाँ पर आपको बनारसी साड़ी, हैंडमेड दुपट्टे व सूट के बेहतरीन कलेक्शन भी मिल जाएंगे जिसे आप काफी किफायती दामों में खरीद सकते हैं। इस जगह से घाट और गंगा नदी का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। हर घाट की अपनी एक कहानी, हर घाट का अपना एक इतिहास। इस वीडियो में मैंने आपको बताया गंगा महल घाट के बारे में, जिसे आप अस्सी घाट का ही एक पार्ट मान सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको लेकर चलूंगा रीवा घाट पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।